सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। इस तरह के आपने दिशा निर्देश दिया अधिकारियों को? देखिए, इस समय जो है प्रदेश के भीतर बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों के भीतर रोजगार करते थे आज लौट करके आए हैं, और अपने राज्य में भी बड़ी संख्या के भीतर मनरेगा के श्रमिक हैं, तो उनको काम अपने जनपद के भीतर मिल जाए, अपने गांव के समीप में मिल जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा कार्यक्रम के ऊपर 60,000 करोड़ रूपये के बजट को बढ़ा करके 1,00,000 करोड़ रूपये किया हुआ है। और राज्य के भीतर हम लोग चाहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए से हम ग्रामीण तस्वीर को बदलें और उसके माध्यम से अपने यहाँ प्रतिदिन 1 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दे सकें। तो आज मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पर जो कृषि विभाग का भूमि संरक्षण इकाई के द्वारा जो काम शुरू किया गया है उसको यहाँ पर देख रहा हूँ, और जैसा मुझे बताया गया है कि आपके सामने लोग बता रहे हैं कि यहाँ के गांव के लोग भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रमिक भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के योगी जी का दोनों का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के भीतर हम खासतौर पर कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से मनरेगा का कन्वर्जन के माध्यम से हम ऐसी एसेट क्रिएट कर सकें जिससे कि हमारे किसानों को और ग्रामवासियों को सुविधा मिल सके। उस दृष्टि से अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, चलाई जा रही हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि उसके माध्यम से लोगों को रोजगार बेहतर उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें आजीविका का कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से व्यवस्था की गई है। कल मैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय के भीतर था, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के भीतर भी हमने ये प्रयास किया है, पिछले एक साल के भीतर लगभग 100 हेक्टेयर के करीब खेतों की जुताई करके उसको खेती योग्य बनाया गया है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर कल वृक्षारोपण होना है और पूरे यहां पर भी होगा, पूरे प्रदेश भर में 5 तारीख को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। कल सवेरे मैं खुद इटावा के भीतर रहूंगा, तो यहां पर भी इस बात का प्रयास किया गया है कि जो काम मनरेगा के भीतर हो रहा है उसके साथ साथ वृक्षों के माध्यम से किसानों को आमदनी बढ़ाई जा सके कृषि वानिकी के माध्यम से, इसलिए इसके वृक्षारोपण की भी व्यापक तैयारी की गई है और पूरे जनपद के भीतर जहां तक मुझे जानकारी है कि 3,00,000 से ज्यादा वृक्ष लगाए जाने वाले हैं। तो यह एक प्रयास किया गया है कि जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिल सके। कुछ अभी नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र पर भी मैं जा रहा हूं, और वहां पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने और माननीय है महाजन जी के द्वारा जो वहां पर जो काम हुआ उसको भी देखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसको और अच्छा बेहतर कैसे किया जा सके, उसके लिए उस दृष्टि से हम लोग आगे की कार्ययोजना भी तैयार करेंगे। मंत्री जी, कहीं देखा जा रहा है? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।